सर नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, आपको प्रोफेसर पद आपको मिला है जो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी से, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसके पहले हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जो आपको प्रोफेसर का पद मिला। हम जब सुने हैं तो अपने पेपर में भी लिखा आपका, और आज मौका मिला आपसे मिलने का, लेकिन तब तक 15-20 दिन गुजर गया। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस शुभकामना पर? सर सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमोदय जय भीम, जय भारत। हम लोग, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई ये पद मिला। बहुत बड़ा पद है एकेडमिक क्षेत्र का, इससे बड़ा कोई पद होता नहीं है। और संदेश ये है कि अपने समाज के जो दबे कुचले शोषित किए समाज के लोग हैं, उन सबको प्रयत्न करना चाहिए। एक निगेटिविटी फैल रही है कि शिक्षा लेने से क्या फ़ायदा, उसको लोग नौकरियों से जोड़ रहे हैं। वर्तमान में जो प्रदेश बन रहा है वो नौकरियाँ नहीं जनरेट कर पा रही। शिक्षा का जो अभिप्राय है वो ये है कि व्यक्ति की मानसिक शक्तियाँ विकसित होती हैं और उन मानसिक शक्तियों में जैसे स्मरण करने की, प्रत्यक्ष करने की, अमूर्त चिंतन की, जो आज नहीं है, जो है ही नहीं, भविष्य में 200 वर्ष बाद घटनाएं घटित होने वाली हैं, उसके चिंतन की, उसको उसकी सोच विकसित करने के लिए शिक्षा है। शिक्षा पद धारित करने के लिए है ही है, आदमी विभिन्न प्रकार के पद धारित करता है, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सारे पद है ही। उसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने मानसिक शक्तियों का विकास करता है और इंडिविजुअल डेवलपमेंट करता है। इंडिविजुअल डेवलपमेंट जो है वो व्यक्ति का विकास अगर होता है तो वो समाज और देश उससे विकसित होता है। मेरा ये संदेश है, सभी को प्रयत्न करना चाहिए। सभी अगर प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से समाज और देश आगे बढ़ेगा। जो बहुजन मूवमेंट है, जो जिस सपने को बुद्ध ने देखा है, अम्बेडकर ने देखा है, सरोजी महाराज फूले ने देखा है, उसको सपना साकार। मैं अपने विद्यार्थियों को बताता हूँ कि सावित्रीबाई फूले का नाम अगर ना सुना सुन लो, कि एक साड़ी लेके जाती थी और एक साड़ी पहन जाती थी। समाज ने उनके ऊपर कीचड़ फेंका, उन्हें गालियाँ दी, लेकिन वो आगे बढ़ती रही। सही है। आगे छोटा छोटी बात नहीं, छोटी प्रेरणा नहीं है। सभी प्रकार के, सभी समाज की महिलाएं जो हैं, चाहे पुरुष हों, सबके लिए प्रेरणा स्रोत। तो योगियों को तो प्रेरणा देती रहेंगी देर, और उससे लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। महिलाओं में शिक्षा का अलग जगाने वाली माता सावित्रीबाई फुले ही है। वो हैं त्याग की प्रतिमूर्ति रमाबाई। रमाबाई बाबा साहब को पढ़ाने के लिए हम एक जगह प्रसंग पढ़ रहे थे कि वो उपले बेच करके और कुछ पैसे घर से घर चलाती थी, कुछ बचा कर रखती थी, बाबा साहब को सहयोग करती थी। ये त्याग कम नहीं, बहुत बड़ा त्याग है। अगर बाबा साहब ना बन पाए होते तो क्या ये समाज जो है आगे बढ़ पाता, या हम प्रोफेसर नहीं बन पाए? इसके लिए मैं लोगों को प्रेरणा देना चाहता हूँ कि लोग प्रेरणा लें। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत ही पुअर ही नहीं, पुअर था, पुअरेस्ट, लेकिन आज मैं बहुत बड़े पद उस पर आसन हुआ। उसके पीछे हमारे उसमें बहुजन समाज जन्मे तमाम महापुरुषों, हाँ, जितने संत गुरु महापुरुषों का सबका योगदान, सबका योगदान अकेला नहीं, हम तो मात्र किए सारा योगदान उनका। पहले से उन्होंने हमको व्यवस्था दी, तब हमें उसका लाभ मिला, लाभ पाए। नहीं तो आज भी देखिए एक द्रोणाचार्य बन के लोग काट ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। एक निगेटिविटी फैलाई जा रही है, लोग पढ़ने लगे हैं। मैं एक बात कहता हूँ, शिक्षा पहले था, शिक्षा सवाल खड़ा करती है, शिक्षा सवाल खड़ा करती है, बाबा साहब ने कहा। फिर दूसरा एक सेकंड जनरेशन आई, शिक्षा सवाल नहीं समाधान खड़ा देती, शिक्षा समाधान भी देती है। जब समाधान का मुन्ना बताई तो लोगों ने शिक्षा के प्रति निगेटिविटी, क्या करो वो पढ़ कर वो समाधान, जिससे लोग बहुत संसद समाज समाधान से वंचित रह गए। एक साजिश चल रही है, इस साजिश से बचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो फिर गुलाम हो जाएंगे। सरकार खुद ही, सरकारी संस्था, सरकारी जितने भी कॉलेज हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, जूनियर हो, जो भी हो, सबसे ज़्यादा संख्या बंद कर रही है, अपराध को बढ़ावा दे रही है और शिक्षा महंगी कर दी है। शिक्षा महंगी, मैं कहता हूँ कि एक बात
भाई तुम्हारे हाथ में शिक्षा महंगा करना, हमारे हाथ में शिक्षा को महंगी शिक्षा को लेना। बाबा साहब जब पढ़ रहे थे तो उस दौर में वो शिक्षा जो प्राप्त कर रहे थे वो भी महंगी ही थी। महंगी उस समय, हाँ सही, उस समय के दौर में आप देखिए ब्रिटेन गए, अमेरिका गए पढ़ने, तो हम उस महंगी शिक्षा को, उस महंगी व्यवस्था को हम प्राप्त करेंगे, ये हमारे जज्बा होना चाहिए। एकदम सही, एकदम अभी आपने ये सही कहा। हम देखते हैं विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या घटने लगी, घट क्यों रही है? लोगों की शिक्षा के प्रति रुझान, बाबा साहब कौन सी नौकरी किए थे, एक सवाल आपसे मैं पूछता हूँ, बाबा साहब ने कोई नौकरी किया था क्या? नहीं। लेकिन बाबा साहब पूरी दुनिया में पढ़े जा रहे हैं, रिसर्च किए जा रहे हैं, अनुसरण किए जा रहे हैं, और जो दे दिया वो किसी ने नौकरी के सवाल क्या दे पाए। एकदम सही है, इसलिए भी प्रेरणा होना चाहिए, लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। मेरी यही इच्छा है और संदेश जी, यही मैं, यही जहाँ भी अगर आप ले जाइए तो ये दीक्षा दीजिए कि बाबा साहब भी कहे और बुद्ध ने भी कहा कि अत्यधिको हो। जी, अत्यधिको तब होगा जब व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति को विकसित, वही तो मानसिक शक्ति विकसित करने के उन्होंने भी कहा विकसित कीजिए और तब अपना प्रकाश स्वयं बन पाएंगे, बाकी तो अंधकार में है ही। इसलिए पढ़िए भी, और लोगों को मैं जानता हूँ कि मैं समझता हूँ जो लोग पढ़े हैं उनकी जिंदगी ज़्यादा है, जो कम पढ़े हैं उनकी जिंदगी कम, जो नहीं जानते बिल्कुल जिंदगी नहीं। तीन कैटेगरी में बनाता हूँ, जो ज़्यादा जानते हैं उनकी जिंदगी ज़्यादा है, जो कम जानते हैं उनकी जिंदगी कम है, जो नहीं जानते उनकी जिंदगी नहीं। मैं अपनी जिंदगी निभा। तो सर क्या आपको अभी यही KDC में ही आपकी शिक्षा है या आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया? नहीं, ट्रांसफ़र नहीं, हम APN PG का भी बचते हैं और ये टाइम बाउंड प्रमोशन होता है, बड़ा प्रमोशन होता है, तो 15 साल का प्रोफेसर ग्रेड का सिलेक्शन होता है, वो हमारा और हम यही रहेंगे। हमें तो, मैं NCC अफसर भी हूँ, मैं अभी जो मेरी रैंक है NCC में कैप्टन, इस तरह से मेरा नाम बधाई और आपको मेरा नाम और बड़ा हो गया है, प्रोफेसर कैप्टन राजेंद्र गौर, इस तरह से हम इस नाम से जाने जाते हैं शिक्षा जगत। अच्छा सर, जैसे आपने बहुत नाम पीछे लगाए हैं, इससे कुछ लोगों को दूसरी मानसिकता वाले जो हैं? नहीं, कोई मानसिकता नहीं, सब लोग हमको बड़े प्यार से बहुत जी कहते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। चलिए, बहुत का संबोधन तो आपके द्वारा हुआ, हमारे नाम से लोग जो है बहुत का नाम तो लेते हैं। जी, इसी बहाने मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जितने अब तक मुझे ये नाम लेते हैं मेरे साथ, इस तरह से सामने तो कोई फीलिंग ऐसी नहीं करता है, मन में तो भाई थेरी है, फ्राइड की थेरी की, जो चेतन मन है उसके साथ जो अवचेतन मन में भी, अचेतन में भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो उसमें कोई रख रहा हो तो वो तो ठीक है, बहुत सारे लोग मन में बहुत सारी बातें रहती हैं, लेकिन ऐसा परिवर्तन हुआ, मैं ये बहुत जरूर मानता हूँ, समाज में सभी समाज में परिवर्तन, जागरूकता आ रही है, नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि गलतियाँ तो हुई ही हैं, ये तो लोग मान ही रहे, गलतियाँ सुधारी भी जाती हैं और तब ज़्यादा अच्छा होता है कि जैसे गलतियाँ मान ली हो गई सुधार ली जाए, और गलतियाँ हुई हों सुधारी न जाए उसी पर हम चलते रहें, ये ज़्यादा खराब होता है, ज़्यादा नुकसान करता है देश, हम समझते हैं। इसीलिए देश, हम मानता हूँ वर्तमान में देश का नाम तो है ही दुनिया में बड़ा है, हम लोग अब लेने लगे हैं, अब हमारी अंदर आई है, लोग यहाँ निवेश के पर्पज से और पर्पज से भी आने लगे हैं। चलिए, किसी भी तरीके से नाम भारत का बढ़ तो रहा है, ये भी सकारात्मक इसमें रखनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ संदेश? संदेश क्या, आप लोगों का धन्यवाद बहुत बहुत, और हम तो चाहते हैं कि सभी लोग जो है प्रोफेसर बने, यही संदेश है। कोशिश तो कर रहे हैं बहुत से लोग, सभी लोग अमुक विषयों में जो है मास्टर डिग्री हासिल करें, PhD करें, और शिक्षा जगत में देश दुनिया में उनको मौका मिलेगा, मौका मिलता है उनको प्रसन्न करने के लिए, योग्यता क्षमता का विकसित करें, योग्यता क्षमता विकसित की जाती है, निश्चित रूप से गिफ्टेड नहीं है न भाग में लिखी गई, मैं अभी तक माना हूँ, मैं चूँकि जो भी मुझे मिला परिश्रम के बल पर,
परिश्रम जो आदमी करेगा जो चलेगा वही रास्ता मिलेगा मिलेगा पर मिलता ही है। कभी कभी नहीं, देखिए एक बात मैं बताता हूँ, कभी कभी नहीं मिलता, दूसरे खा जाते हैं, लेकिन ये मान करके कुछ तो मिलेगा, जो कोशिश किया जाए तो जरूर हासिल होगा, हासिल भी होगा। और प्रयत्न करने में जाता क्या है, अरे भाई जिसके पास कुछ नहीं है उसे कुछ पाने के लिए प्रयत्न करना है ना, गवाना तो नहीं है ना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आपके पास कुछ नहीं है गवाना नहीं है ना, जो गवाने का है भाई हमारे चला जाएगा वो डरे, इसलिए आपको प्रयत्न करना चाहिए ना। चलिए अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।